तो हेलो व्हाट्सएप भाई, जैसे कि आप देख रहे हैं आपका अपना तरुण भारद्वाज ब्लॉग। तो आज मैं कितने टाइम बाद ब्लॉग शूट कर रहा हूँ, तो कितने टाइम से ब्लॉग आ नहीं रहे थे क्योंकि लॉकडाउन चल रहा था। तो आज मैंने सोचा एक सबसे यूनिक कंटेंट बनाऊँ वर्कआउट के ऊपर। तो आज मैं आपको दिखाऊँगा कि घर पे वर्कआउट का सामान, मतलब एक्सरसाइज की मशीन कैसे बनाएं। तो काफ़ी लंबा ब्लॉग जाने वाला है, यहीं से स्टार्ट करते हैं ब्लॉग। अब दिखाता हूँ मैं क्या क्या करता हूँ पूरे दिन भर, क्या खाता हूँ, क्या पीता हूँ, डाइट वाइट सब बताता हूँ, और फिर पूरे एक्सरसाइज की मशीन बनाऊँगा। कैसे कैसे एक्सरसाइज करनी है, बाइसेप्स लोड करनी है और चेस्ट करनी है, सब बताऊँगा मैं। बने रहिए ब्लॉग पे। तो लॉकडाउन में हालत भी देख सकते हैं बुरी होगी, और पूरी इतनी बड़ी दाढ़ी हो गई है और बाल है। अभी नाई भी बुलाया था पर आ नहीं पाया, वो बहुत ज़्यादा पैसे मांग रहे हैं। चलो ठीक है गाइस, मिलते हैं। सुबह इस मेरी सुबह सुबह ये डाइट चलती है पीनट बटर के साथ ब्राउन ब्रेड, तो बॉडी के लिए बहुत बढ़िया रहती है, प्रोटीन आता है बॉडी में बहुत ज़्यादा। आप लोग भी खाते होंगे जो जिम जाते हैं। सुबह इस लीड चार्ज हो रही है, पबजी खेलूँगा अभी, ऐसे पबजी चलेगी। लॉकडाउन का टाइम है, ये पबजी एक सहारा है जो खेल सकते हैं हम, और कुछ नहीं। यहाँ खड़े होके, यहाँ चार्जिंग लगा के यहाँ मैं पबजी खेलता हूँ। सोच लो, ये रहा मेरा बेड और यहाँ पबजी खेलता हूँ, कितना कितनी मेहनत लगती है। तो भाई देख सकते हैं, बॉडी पंप रखने के लिए घर पे वर्कआउट करना पड़ता है। अभी स्टार्ट करूँगा, कोई बंदा है नहीं, खुद ही शूट करना पड़ रहा है व्लॉग। जितना अच्छा हो पाएगा मैं करूँगा। तो आप ऐसे ही चिल मारते रहें और या मोबाइल ले आप, पबजी चलेगी अब, मैं आराम से पबजी खेलूँगा। तो यही ऐप है, लॉकडाउन में पबजी खेलो, मस्त रहो, मज़े मारो, साथ साथ डाइट खाओ। ब्राउन ब्रेड के साथ पीनट बटर सबसे बेस्ट सेहत के लिए। अब ये बॉडी का यही एक राज है, बाकी आगे कंटिन्यू करता हूँ। अभी थोड़ी बाहर में धूप आ रही है, थोड़ी शाम हो जाए ना, थोड़ा वेदर बढ़िया हो जाए, तो तब जाके मैं छत पे थोड़ा सामान इकट्ठा करना है। पहले ईंटें इकट्ठी करूँगा बड़ी सारी, पता नहीं किस कोने में पड़ी हुई कहाँ हुए, तो इकट्ठी करके फिर वो पूरा पूरा मैं आपको दिखाऊँगा कि कैसे कैसे मैंने ईंटें इकट्ठी करी और कैसे कैसे मैं पूरा शूट कर रहा हूँ ब्लॉग। तो ऐसे ही बने रहिए। ओके बाय बाय, डाटा रिवाइव कर भाई, रिवाइव। हाँ भाई इधर इधर, यहाँ दे, यहाँ यहाँ यहाँ, हाँ बढ़िया, चल बढ़िया। मैं ब्लॉग शूट कर रहा था, हाँ ब्लॉग में आएगा। ठीक है गाइस, मैं पबजी खेल रहा था, अभी थोड़ी देर में कंटिन्यू करता हूँ। सो गाइस, हो गया मेरा खाना पीना, डाइट हो गई है, पबजी खेल लिया, मैं बाहर जा रहा हूँ अंडे लेने, थोड़ा सेकंड डाइट लेनी है, तो ख़त्म हो गया है घर पे अंडे, अंडे लेने जा रहा हूँ, थोड़ा बाहर का माहौल दिखाता हूँ। ठीक है गाइस, देखते रहो आप। क्या हल है, इनके साथ खेलने का टाइम है। और भाई ये वाला बड़ा शैतान है, उ काटियो मत, हेलो, ओए चोंच मारेगा, फुल मजे कर रहे हैं ये दोनों। ये रहा तो गाइस, मैं जा रहा हूँ बस पीछे अंडे लेने। तो अभी गिरता देख सकते हैं मेरी हालत लॉकडाउन में कैसे हो रखी है। अभी बाहर का माहौल बस पहुंचने वाला हूँ अंडे के, वहाँ दिखाता हूँ आपको बाहर का माहौल, सब कुछ बंद है बाहर, बस पास वाली शॉप पे जा रहा हूँ एग लेने। शॉप पे आया हूँ अंडे लेने। थैंक यू भैया जी, और ये अंडे आ गए हैं। अभी ये डाइट है, हो सकता है गाइस मैं अभी शाम को पार्क भी जाऊँ, वहाँ का पूरा शूट करके दिखाऊँगा। ओके गाइस, मिलते हैं।
ये अपने अंडे आ चुके हैं। ओके तो गाइस मैं कटिंग करवाने जा रहा हूँ, बेबी पापा का कॉल आया है, कटिंग करवा के पूरा व्लॉग दिखाता हूँ। विष्णु गार्डन जा रहा हूँ, विष्णु गार्डन नहीं क्याला जा रहा हूँ हाँ, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग व्लॉग होने वाला है, तो पूरा देखना स्टार्टिंग से लेके एंड तक। भाई सब अंडे उबाल रहा हूँ। ओह शिट, एक अंडा टूट चुका है, नुकसान हो गया, कोई नहीं देखी जाएगी। मैं गैस ही ऑन करना भूल गया और ऑन करे जा रहा हूँ, अब हो गई है। और अरे पानी ही नहीं डाला, ओह शिट, रुको पानी डाल। सो भाई डल गया पानी। अंडे खाने भी बहुत ज़रूरी हैं सेहत के लिए, तो आप जितने ज़्यादा अंडे खाएंगे पूरे दिन में, मतलब मैक्सिमम 8 अंडे खा लो, 6 अंडे खा लो, प्रोटीन की कमी पूरी होती है। आप जितने खा सकते हो, आपकी कैपेसिटी है उतने खाओ। सो गाइस अब मैं रसना बनाऊंगा और रसना टाइम है अब, फुल मजे अपना डाइट के साथ साथ रसना पीऊँगा, खाते खाते पीनट बटर के साथ। और तो भाई मैंने डाल लिया इसमें रसना, अब ये ठंडा पानी डालूंगा। ठीक है गाइस, सो गाइस रसना बन चुका है, बस इसको थोड़ा शेक करना बाकी है, तो पूरा रेडी हो जाएगा, देख सकते हैं अब आने वाले हैं मज़े। गाइस डाइट रेडी होगी, अब खाने चलता हूँ, फिर आगे व्लॉग शूट करता हूँ, कटिंग करवाने जा रहा हूँ। गाइस आप देख सकते हैं बस बाल कटवाने जा रहा हूँ दोस्त के स्कूटी में। भाई सब स्कूटी चला रहा हूँ मैं, बाल कटवाने जा रहा था, देख सकते हैं पीछे है दोस्त बैठे पर शक्ल दिखाने। स्कूटी चला रहा हूँ, बाल कटवाने जा रहा था, बस पहुँचने वाला हूँ, थोड़ी सी दूर हूँ। तो वाहेगुरु जी मेहर करो, बढ़िया बढ़िया ब्लॉग वायरल करवाओ। तो गाइस ये वाला ब्लॉग दो पार्ट में नहीं आएगा, एक ही पार्ट में आएगा, तो एक ही में मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ पूरा ब्लॉग, क्योंकि ये ब्लॉग थोड़ा ज़्यादा बड़ा बन जाएगा, पर कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट डे है, कटिंग भी हो चुकी है देख सकते हैं, और नेक्स्ट डे नेक्स्ट डाइट स्टार्ट है। और अभी कंटिन्यू करता हूँ, थोड़ा जिम का सामान बनाना है, तो वो मैं दिखाता हूँ मैं कैसे कैसे कहाँ से चीज़ें इकट्ठी करके बना रहा हूँ। ठीक है बने रहिए यहीं। ओके सो गाइस मैं छत पे आ चुका हूँ, मेरे को टोटल 8 ईंटें चाहिए, 8 ईंट चाहिए, 4-4 का कॉम्बो बना के ना उसका हैवी वेट बन जाता है, तो उससे एक्सरसाइज करने का अलग ही मज़ा आता है। तो छत पे आ चुका हूँ, छत पे बहुत तेज़ धूप आ रही है, पर मेरे को शाम तक पूरा बनाना है जैसे जैसे करके, आज एक्सरसाइज करनी है। और तो स्टार्ट करते हैं ईटे ढूंढना, तो कोई है नहीं वीडियो बनाने के लिए, इसलिए खुद ही करना पड़ेगा सब कुछ, जितना हो पाएगा उतना करूँगा। ओके गाइस सो गाइस मैं छत पे आ चुका हूँ, अब ईटे ढूंढनी स्टार्ट करते हैं, इधर उधर से जो ईटे मिलेगी उठा लेनी है। पहली ईट तो ये पड़ी टैंकी के ऊपर, पहली ईट मिल गई है, गाइस फर्स्ट ईट मिल गई, इसे रखते हैं इधर और दिखाता हूँ। अब सेकंड ईट ये पड़ी है ऊपर, सेकंड ईट अभी 2 हो गई हैं, टोटल 6 ईटें और चाहिए। हालत देखो, इतनी गर्मी, पसीने पसीने हो रखा हूँ। अब दूसरी ईट ये रही, टैंकियों से ईट चुरा रहा हूँ, बंदों ने टैंकी ढक्कन ना उड़े उस लिए रखी हुई है, और मैं उनकी ईटें लेके नीचे जाके जिम मारूँगा, तो दिखाता हूँ। 3 हो गई हैं, 5 और चाहिए, बहुत हालत डाउन हो गई है। ईट अब और तो मिल नहीं रही, कहाँ होगी वो, रही दूसरी छत पे टाप के जाना पड़ रहा है।
ये दूसरे एक बंदे की टैंकी पे ईट पड़ी है उठाई। अब इसको भी रखते हैं, कितनी होगी, 4 ईटें होगी, एक और आ गई। एक ईट ये पड़ी, 5 ईटें होगी, 3 ईटें और ची, एक तो ये पड़ी। ये तो बड़ी गंदी सी ईटें, इनको धोना पड़ेगा। कितनी होगी, 6 ईटें होगी, 2 ईटें और। इतनी धूप में दूसरी छत पे आया हूँ टाप के, एक तो ये रही, एक और मिल गई। बगल वालों की छत से ईट चुरा रहा हूँ, सॉरी, अब करना पड़ रहा। ये होगी 7वीं ईट, एक और ईट चाहिए और हालत बड़ी डाउन होगी अभी तो। ये सारी नीचे भी लेके जानी है बारी बारी, तो देखना पड़ेगा कैसे ले जाऊं। दूसरी छत पे एक और ईट पड़ी है, दिखाता हूँ। ये 8वीं ईट, मिशन सक्सेसफुल। बहुत पसीने पसीने हो गया, देख सकते हैं एक और होगी। हम नीचे लेके आना पड़ेगा कुछ, उसमें पॉलिथीन ने उसके अंदर डाल डाल के ले जाऊँगा, फिर नीचे जाके कंटिन्यू करता हूँ लोग। ओके गाइस, सो ये सेरी 8 ईटें पूरी इकट्ठी हो गई है, हमें इसको नीचे लेके जानी है बारी बारी। एक लकड़ी का इंतजाम करना है जिसको मैं बाइसेप्स की रोड बनाऊँगा। सो गाइस, पॉलिथीन ले आया, इसके अंदर 2-2 करके डाल के लेके जाऊँगा, 4 लाया हूँ, तो स्टार्ट करता हूँ। Over the edge, feel like I'm floating through the air. The pain I felt is paid for, all is said and done. Oh, I am restricted, fixed upon the web. I need to kick the habit that my mind is breathing in. Break out, I've got to see. Exaggerated, that's what you assume. The story's over now, I must conclude. I am conflicted, watching where I step still. Hanging in the balance, not the life I want to live. I want to take it all, standing tall. Fear outweighed the person you are. Oh, प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो कर देना और बेल आइकन प्रेस कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो।
ठीक है, आपको कैसा लगा ये वाला कंटेंट बताना कमेंट करके नीचे, हैशटैग तरुण भारद्वाज ब्लॉग्स। ओके गाइस, मिलते हैं, टाटा बाय।